दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मरकरी की, ऐसा प्लैनेट या ऐसा छोटा सा उपग्रह जो हमेशा सूर्य के साथ पाया जाता है, सूर्य के साथ रहता है। हमारी कम्युनिकेशंस का, हमारी कॉन्टेक्ट्स का और हमारी बात करने का तरीका जो भी होता है, वाणी का सिग्निफिकेंट है। उसके अलावा आपके ग्रुप्स अपने आप को किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी को, आपके विचार कैसे आते हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें मरकरी जो है वो कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा आज का अगर मैं ज़माना देखती हूँ, जो आज करंट जो लाइफ है जिसमें हम जी रहे हैं इस समय, उसमें तो मरकरी की इतनी इंटेलिजेंसी है, मतलब इतनी ज़रूरत है आइकन से, कि आप पढ़ाई भी मरकरी के थ्रू कर रहे हैं मोबाइल पे, आप अपना जॉब भी उसी से थ्रू कर रहे हैं, बिजनेस भी मरकरी के थ्रू चल रहा है। उसके अलावा आप सारे काम मरकरी है, आप फ्रेंड से मिल रहे तो मरकरी है, ग्रुप्स में है, ये एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। नेटवर्क जो है वो है मरकरी, कॉन्टैक्ट करना एक दूसरे के साथ में, कम्युनिकेशन करना ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें जो है वो मरकरी है। तो मरकरी तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, बिना मोबाइल के, मोबाइल इज मरकरी, बिना मोबाइल के तो हम रह नहीं सकते, और उसी के थ्रू हम सारा हमारा काम करते हैं, पूरी लाइफ हमारी उसके ऊपर डिपेंड है इस समय। तो मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कलयुग में, तो बहुत ज़्यादा इस समय राहु और मरकरी दोनों की बात है। मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं जेमिनाइज में, 14 जून को ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर 29 जून तक वो रहने वाले हैं, 15 दिन का एक समय है। मरकरी अभी टॉरस में है, उसके अलावा जैसे ही वो जेमिनाइज में ट्रांजिट करेंगे, उस समय वहाँ पर उनके साथ होंगे सन 15 जून को ही ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पर ऑलरेडी से है वीनस, वीनस सन और मरकरी तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस समय जेमिनाइज में देखने को मिलेगा। उसके अलावा तीनों की जो एनर्जी है आइकन से अलग नहीं है, लेकिन हाँ तीनों का थॉट प्रोसेस अलग है बहुत सारा। सन जहाँ पर हमारे अथॉरिटी लेवल है, वहाँ पर वीनस जो है हमारे रिलेशनशिप है, उसके मरकरी हमारे कम्युनिकेशन है। मरकरी जेमिनाइज बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि जेमिनाइज का साइन खुद मरकरी का ही है, थर्ड साइन दिया गया है कालपुरुष कुंडली में। जेमिनाइज की थोड़ी सी बात करेंगे, जेमिनाइज जो साइन है वो साइन है आपके ग्रुप्स का, आपके फ्रेंड सर्किल का, थर्ड हाउस है आपके करेज का, आपके लर्निंग प्रोसेस का, आप कितना सीखते हैं, कितना लर्न करते हैं, कितनी ज़्यादा आपके अंदर आई कैन से ना कि एक एफर्ट्स की बात है, कितना एफर्ट्स है, वो सब चीज़ें आपका जेमिनाइज आता है। वहाँ पर खुद के ही लॉर्ड है, मतलब जेमिनाइज के लॉर्ड है मरकरी, वो उसमें ट्रांजिट करने वाला है। सबसे पहले बात कर सारे जोड़े सन की बात करते हैं, 15 दिन में क्या असर होने वाला है, बिकॉज ऑफ द जेमिनाइज मरकरी को जो पावर मिल रही है वो वीनस और सन की मिल रही है, और मरकरी जो है वो संगता कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के कॉम्बिनेशन में जो है ना काफ़ी हद तक वो ढल जाएंगे, ढल जाते हैं, वो विचार है ना, विचार जैसे जो भी इन्फ्लुएंस करेगा उसका ढल जाते हैं। तो सारे जोड़े सन की अगर बात करते हैं 15 दिन में क्या असर होगा, 14 जून से लेकर के 29 जून की बात कर रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट 15 दिन में। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की, आपके थर्ड हाउस में सब यू फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इस समय आपको काफ़ी जो आपके फ्रेंड सर्किल है या फिर काफ़ी जो आपको जो एक्सप्लोर करना है अपने आप को, कुछ लर्न करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, या अगर आप कुछ स्टूडेंट हैं जो कुछ पढ़ाई में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। आपकी इंटेलिजेंसी इस समय आप बहुत दिखाएंगे कि मैं कितना, मेरा विजन कितना क्लियर है, अपनी इंटेलिजेंसी दिखाएंगे थ्रू योर ग्रुप्स, फ्रेंड्स ग्रुप्स। उसके अलावा अपने आपको एक्सप्लोर करेंगे, नए मित्र बनाना, कम्युनिकेशन करना, अच्छा रिलेशन रखना, अपना प्रभुत्व जमाना, अपनी पावर दिखाना फ्रेंड सर्किल में, ये सारी चीज़ें इस समय आपके साथ होने वाली है। कुछ कॉम्पिटिशन्स में अगर भाग लिया था मरकरी से रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स की बात कर लूँ या आपके पढ़ाई की बात कर लूँ या जॉब की बात कर लूँ, या फिर अगर आपने किसी को प्रपोज किया था, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, आपकी विजन सेट करने के लिए बहुत अच्छा है, टाइम बहुत अच्छा है। एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, अपनी इंटेलिजेंसी को, अपने विचारों को। सबसे ऊपर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि इस समय आपको किसी भी तरह का ईगोइस्टिक नेचर नहीं अपनाना है, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कीजिए बट इन अ वेरी कूल वे, क्योंकि सन भी तो वहाँ आ गया। जितना अपने आप को कूल तरीके से बाहर निकालेंगे उतना बेटर है। ईगोइस्टिक नेचर को हटाइए। उसके अलावा अगर आप किसी के साथ लव में या किसी को प्रपोज करने वाले हैं या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है इस समय, मैं डेटिंग की बात कर रही हूँ, तो भी आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे इस समय, लेकिन बात करने में सावधान रखिएगा। ईगोइस्टिक नेचर या जल्दीबाजी नहीं करना है इस समय,
इरीज है ना, जल्दी बच बात करते हैं आप, और आप फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में घूम रहा है अभी तो, ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, सपोर्ट स्टम मिलेगा इससे आपको बहुत सारे फ्रेंड्स, बट कूल। टॉरस वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, टॉरस वालों को क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप इस समय कोई जॉब करेंगे या हो सकता है ऐसा कोई काम करेंगे जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़े, पैसा जोड़ेंगे इससे, पैसा मैं बैंक की तरफ ध्यान देंगे कि मैंने कितना पैसा जोड़ रखा है, मरकरी आ गए वहाँ पे और काफ़ी एनर्जी के साथ में, प्रेम के साथ में, कम्युनिकेशन के साथ में, गुड थिंग्स के साथ में, इस समय आपका सारा दिमाग रहेगा कि मेरा बैंक भरना है, मुझे पैसा कमाना है, इतना पैसा मेरे को एफडी करवा लेनी है, फ्यूचर के लिए सोच करके, फ्यूचर के लिए विजन सोचते हुए इस समय आपको काफ़ी चीज़ें करनी है रिगार्डिंग और बैंक बैंक प्लेस। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कोई ऐसी डील साइन करें अपने फिक्स असेट्स को बढ़ाने के लिए, या आपका ये टारगेट था कि मुझे जब मकान लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है तो मुझे बैंक भरना है, या मुझे ईएमआई देनी है तो मुझे बैंक भरना है। यू आर वेरी, अभी आप बहुत दिमाग लगाएंगे और आपका पूरा भी होगा, इसमें दिमाग आपका चलेगा भी, रिजल्ट्स भी आपके अच्छे आने वाले हैं। उसके अलावा इस समय मैंने कहा जॉब लग सकती है, इसके आपकी रूटीन इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, विजन विल बी सेट, क्रिएटिविटी विल बी सेट, हाउ शुड आई अर्न द मनी और किस तरह से मैं अपना बैंक प्लेस भर सकता हूँ, अपने कुटुंब के साथ परिवार के साथ भी कंफर्टेबल फील करेंगे, अदर सामान बढ़ेगा इस समय और एनर्जी भी मिलेगी इस समय। हो सकता है कि आपको अगर लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन मिल जाएगा, फादर की तरफ सपोर्ट से मिल सकता है, सडनली आपको कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है अगर आपके आपने वेट कर रहे थे तो, बॉसेस की तरफ से भी पैसा तो आएगा आपके पास, मनी विल भी देगा, क्रिएटिविटी विल भी देगा, टाइम अच्छा है, बाद में बात करें थोड़ा सावधान रखिए, रिलेशनशिप को कंट्रोल रखिए, फादर फिगर का एडवाइस भी चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही हो, और अगर आप शादी या डेटिंग का सोच रहे हैं, रिलेशनशिप का सोच रहे हैं, तो अब आप जब तक अपने परिवार को नहीं समझाएंगे अपनी कम्युनिकेशन लेवल के साथ या अपनी कम्युनिकेशन जो आपकी वो है ना एफर्ट्स के साथ, तब तक वो काम होने वाला नहीं है। जमीनी जवाब की बात करिए, फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं आपके खुद की, बहुत अच्छे से अपने आप ही पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट करते हैं मरकरी। इस समय आप अपनी वाइटैलिटी के साथ में या अपने विचारों के साथ में या फिर आपकी जो भी ऊर्जा है उसके साथ में काफ़ी एनर्जी इस समय आप फील कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपका दिमाग जाएगा कि मुझे डेटिंग करनी है, यू नीड समवन, और उसके लिए आप काफ़ी हद तक पैसा खर्च करना, टाइम स्पेंड करना, आपके विचार उस तरफ भी जाएंगे, कोई के साथ डेटिंग करना, किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेकर के आना, कम्युनिकेशंस बढ़ाना लव वंस के साथ में, इस तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे। आप ये सोचेंगे कि मुझे अब, बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग, कि मुझे अब वो तरह के एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए मुझे, बहुत भागदौड़ हो गई, या मुझे मेरे मन को राजी, मेरा मन जो चाहता है, मेरा दिल जो चाहता है, इमोशंस के साथ में, यू नीड समवन जो आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय आपका प्रारब्ध कर्म टूवर्ड्स योर घर बढ़ेगा, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अब शादी भी कर लेनी चाहिए ताकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर की जो भी है वो भी सॉर्ट आउट हो सके, तो ये जो सारा समय है, ये सारा समय आपको आपका पर्सनैलिटी भी चेंज करेंगे इसमें, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक कि आप बहुत एनर्जी लेवल पर जाने वाले हैं, क्योंकि वीनस भी वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में भी आप इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आपको आपका कोई रिलेशनशिप को आपको सेट करना है, कहीं ना कहीं संभालना है, तो इस समय आप कोई बड़े लेवल का गिफ्ट या बड़े लेवल का खर्चा कीजिए अपने लवंस के ऊपर, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। घर के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, घर को भी चेंज कर सकते हैं, पर्सनली चेंज करेंगे, रहने का तरीका चेंज करेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, उन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। कम्युनिकेटिव बनेंगे, बहुत बात भी करेंगे, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेट करना, कॉल, मैसेज, एवरीथिंग, काफ़ी अच्छी वाइटैलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पावरफुल पोजिशन में आ गया ना, बल्कि सन भी है, वाइटैलिटी इज़ देयर। सुबह उठ के मुझे काम कर लेना है, वो कर लेना है, घर के लिए करना है, लवंस को भी कॉल कर दिया, खर्चे भी हो गए तो कोई बात नहीं, ये वो करती है, बाहर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये 12th हाउस में, 12th हाउस में मरकरी इज़ नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल पोजिशन, क्योंकि ये जगह आती है पाइसिस की, और यहाँ पर मरकरी जो है वो डेवलेटेड पोजिशन में रहती है, लेकिन जगह तो खुद ही की है, पावर तो दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एज पर हाउस अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं इस समय, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय हो सकता है आपको सडनली आपके सपोर्टर्स में लेस फील हो, या यू आर नॉट कम्फर्टेबल एट होम ऑल्सो,
आपको कहीं होता है कि एक तो मून है, आप कैंसर है तो मून आपका लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मरकरी एंड मून नॉट कम्फर्टेबल पोजिशन में नहीं आते सबको, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको हो सकता है कि सपोर्ट सिस्टम में कमी होना या फिर प्रॉपर विचार नहीं आना या कुछ इस तरह के विचार आ जाना जो कि काफ़ी निगेटिव एनहेंस करिए या निगेटिव आपको रिजल्ट्स मिले उस चीज़ के। इस समय आपको थोड़ा सा संभल संभल के काम करना पड़ेगा रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन विद अदर्स, उसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में या अपने सपोर्टर के साथ में थोड़ा सोच समझ करके चलना पड़ेगा। कोई ऐसा डिसीजन इस समय आपको नहीं लेना है, विचार ऐसा सडनली क्या विचार आएगा ऐसा निगेटिव, क्योंकि 12th हाउस में बैठ गया आपके बैग में बैठा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कोई ऐसा विचार आ जाए जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ों को निगेटिव वे में हैंडल करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में, और उसकी वजह से आपके मनी मैटर से प्रॉब्लम आ जाए, सडनली को खर्चा हो सकता है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर को काम नहीं करना, अगेंस्ट आपके अथॉरिटी बॉस के अगेंस्ट को काम नहीं करना, या कोई ऐसा विचार नहीं लाना जिसकी वजह से आपको आपके जोड़े हुए पैसे में, मनी मैटर्स में या आपके फेम में प्रॉब्लम आ जाए। उसके अलावा बहुत सोच समझ से चलना, क्योंकि तीनों प्लान जाकर 12th से बढ़ गया, वीनस तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी रिजल्ट दे देगा लेकिन सन और मरकरी दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं आपको निगेटिव एनर्जेंस मिल रहा है, प्रेशर फील करेंगे इस समय आप काफ़ी हद तक। उसके अलावा अपने पैसे का ध्यान रखना है, सपोर्टर्स का ध्यान रखना है, फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, अपनी वाइटैलिटी का ध्यान रखना है, अपनी ताकत का ध्यान रखना है। और आपकी सबसे बड़ी ताकत है ना आपका सेकंड हाउस है, क्योंकि आपका वहाँ पर है लियो, सोल कारक होते हैं सूर्य, तो इस समय वो भी जगह 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे बनाकर, तो आपका भी काफ़ी सारी चीज़ों को रिलैक्स रखना है, लॉसेस से बच के रहिए। और लॉसेस से आप कब बच के रहेंगे, जबकि आप हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, मैनेजमेंट शुड बी देयर। जल्दीबाजी में, गुस्से में या डिप्रेशन में जाकर के या परेशान होकर के या फिर कोई इमोशन लेवल पर जाकर के फैसला नहीं लेना है, चाहे वो किसी भी लेवल का फैसला आपकी लाइफ में हो, लॉसेस हो सकते हैं, संभल लेंगे, बंदा बंदा काम खराब हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ। मनी को भी ध्यान रखना है, रिलेशनशिप को ध्यान रखना है और अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखना है। मैं लियोज वालों की बात कर रही हूँ आपके 11th हाउस में, लियोज वालों का तो एक ही इस वक्त मंत्रास रहेगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ और फिर से जोड़ूँ कैसे, पैसा कमाना भी है और जोड़ भी रहे हैं, दोनों चीज़ें इस समय आप कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर। इस समय लियोज वाले कहीं ना कहीं अपनी करियर को लेकर के बहुत सीरियस है, मुझे मेरे करियर में क्या करना है, करियर को किस तरह से मुझे सेट करना है, करियर को किस तरह से मुझे जमाना है, किस तरह से काम करना है, उसके अलावा मुझे मेरे सपोर्टर्स कितने हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिलने वाला है, समय अच्छा है, बहुत अच्छा आपका, बहुत ज़्यादा आप तो खुद भी तो जाके 11th हाउस बैठे हुए हैं, बस सोच कर रहे मंत्री को, मरकरी को या मंत्री से कैन बी यू कैन से मरकरी को कहीं ना कहीं आप पावर दे रहे हैं कि मुझे पैसा कमाने का आइडियाज लेके आओ, क्योंकि मंत्री तो संग मरकरी तो संगता कारक है और कहीं ना कहीं सूर्य उसको कह रहे हैं अपनी संगत के अनुसार कि मुझे जो चाहिए वो मुझे दो। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस से बैठा है मरकरी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो जो एक संगत है या वो जो कंपनी है या वो एक सूर्य की जो वो होती है ना एक पावर, उसके द्वारा मरकरी समय काम करेंगे और आपको आइडियाज देंगे आपके बिजनेस में, आपके हो सकता है इंक्रीमेंट बढ़े, वो मैं किस तरह से इंक्रीमेंट बढ़ाऊँ, किस तरह से पैसे इकट्ठे करूं, कैसे कमाऊं, ऐसा कौन सा नेटवर्क में ज्वाइन करूं या ऐसा कैसे नेटवर्क में जाऊं जहां से कि मैं मनी मैटर्स मेरा बिल्कुल सॉलिड हो जाए कि हाँ ये मुझे पैसा आ रहा है मेरी ज़िंदगी में। नेटवर्क में जाएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ाएंगे, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, प्रभु चल रहा है इसमें 11th हाउस में, डिज़ायर्स कंप्लीट कर रहे हैं आप, टाइम इज़ वेरी गुड, वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय। वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इस समय वर्गोज वालों को हो सकता है बिकॉज ऑफ अथॉरिटी लेवल, बिकॉज ऑफ ए बॉसेस, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इस समय आपका ट्रांसफर बाहर हो सकता है 99.9%, इस समय आप कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, बट यू फील गुड आई कैन से बिकॉज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ रहा है, तो आपको यू आर कंफर्टेबल और सन वहां पर और बैठे हैं, संदिग्वली होते हैं वहां पर इन 10th हाउस, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मुझे पोस्ट चाहिए थी, इट्स ओके मैं अगर बाहर भी जा रहा हूँ, अगर ट्रांसफर भी हो रहा है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय भी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, अच्छी पोस्ट मिल सकती है, राजनीति भी हैं तो बहुत अच्छे लेवल पर आपको सीट मिल सकती है, इस समय
सपोर्ट सिस्टम तो मिल रहा है अथॉरिटी लेवल का, फादर का या एक कानून का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े, हो सकता है कि आपको उस जगह से दूर जाना पड़े, बट यू फील वेरी कंफर्टेबल क्योंकि यू वॉज वेटिंग फॉर दैट थिंग्स। अपनी फैमिली से हो सकता है इससे आपको दूर जाना पड़ जाए, संदिग्ध वाली हो गए, फर्स्ट हाउस का लो 10th हाउस में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छी उछाल लेकर के आ रहा है वो, जितने भी चीज़ों का वेट कर रहे थे, रिप्लाई का वेट कर रहे थे, वो सारे रिप्लाई आने वाला है। अगर करियर की बात करती हूँ, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी हो सकता है कि पढ़ने के लिए आपको बाहर जाना पड़े, यू वॉज वेटिंग फॉर दैट स्पेशल पर्टिकुलर कॉलेज, और हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन यू आर वेरी गुड ना कि मुझे चाहता था कि मुझे ये जगह जाए, प्रमोशन हो सकता है इस समय, सडनली ऐसा कोई जॉब अगर टेम्प्रेरी भी तो परमानेंट में जा सकते हैं इस समय, टाइम बहुत अच्छा है, एनालिसिस कीजिए अपने दिमाग को, नए आइडियाज़ को निकाल करके लाइए, उसके अलावा रेडी रहिए, काम करने के लिए रेडी रहिए, एनर्जी के साथ में काम करने के लिए रेडी, किसी भी तरह का अगर आप किसी से अगेंस्ट जाते हैं, मान लीजिए आपको बाहर भेजा जा रहा है या आपको ट्रांसफ़र हो गया है प्रमोशन मिलने के बाद या जो भी है, तो आप अगर उसे अगेंस्ट जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, कहीं ना कहीं अथॉरिटी लेवल से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके साथ में रहना पड़ेगा, संगत में रहिए, उसके साथ साथ रहिए, ठीक है, आई एम रेडी टू, ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में, इस समय 9th हाउस में तीनों ही बड़े प्लैनेट आकर के बैठे हैं, मतलब मरकरी वीनस एंड सन तीनों ही बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वहाँ जाकर बैठा हुआ, ठीक है, यू आर वेरी कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ पर वो आ गया है वीनस, पहले 8th हाउस में थे तो अभी यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आप स्वयं ही जाके 8th हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा झटपटाट वाली जगह या फिर ऐसी जगह जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में फील करता है। अब आ गए 9th हाउस में तीनों ही प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले टॉप पे जो काम करने वाले हैं वो ये है कि इस समय आपकी जो एजुकेशन है या आपकी जो लर्निंग थिंग्स है उनको बाहर निकालेंगे, काफ़ी ऐसी चीज़ें करेंगे जो अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर होगी या फिर अगेंस्ट हो सकता है कि धर्म होगी, बट यू वांट टू डू, आप वेट कर रहे थे इस काम को करने में कि मुझे काम करना है, क्योंकि वीनस बैठे हुए ना, अब वीनस की जो पावर है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको वहाँ से मिले 9th हाउस, माई लाइफ माई वे वाला जो प्रॉब्लम वो चीज़ है ना वो इस समय आप करने वाले हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि आप बाहर ट्रैवलिंग करें, मुझे जाना था मैं जा रहा हूँ, अपनी स्टाइल से जीना या अपने तरीके से जीना वो काम इस समय आप करेंगे, मरकरी वहाँ है तो लॉजिक नहीं है, क्योंकि जुपिटर जो यहाँ का स्थान है वो 8th हाउस में बैठे हैं, तो वैसे भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप तो वीनस है ना, शुक्रवंशी इंसान है वो कैसे उसका ध्यान देगा कि जुपिटर क्या कह रहा है, मेरा स्टाइल है मैं मरकरी हूँ, मुझे किस तरह से कौन सा धर्म अपनाना है, कहाँ जाना है, कौन सा टीचर्स होना चाहिए, किसकी मुझे एडवाइस देनी है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, किससे बात करनी किससे नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आपका दिमाग चलेगा कि मुझे जो इच्छा हो जो करना है, मुझे किससे लेना देना नहीं है, बहुत इस समय आप काफ़ी चीज़ों से उसका अगेंस्ट जाएँ, जो हमारे पैटर्न्स हैं जो हमारे धर्मास हैं, काफ़ी हद तक एजुकेशन भी ऐसी ले जो बिल्कुल पैटर्न से परे, काम भी ऐसा करें जो पैटर्न से परे, नेटवर्क भी ऐसा लें जो कि पैटर्न से परे, बट एनर्जी के साथ भी संतो ही वहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड है, पैसा भी कमाना है तो पैटर्न से परे कि मुझे तो इस ढंग से पैसा कमाना है, इससे हो सकता है विदेश जाए सडनली कहीं और जाकर के शिफ्ट हो, कि आप ही ऐसा चाहते थे इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे नेटिव जो है लिब्रा वाले उनकी जिद चल रही है बहुत अच्छे लेवल पर, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में बैठा है ना, टाइम अच्छा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत पैटर्न्स के साथ चलना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है, उसके अलावा इस समय जितना धर्म अपनाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, अगर कहीं आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप यू कैन आस्क योर फादर फिगर कि क्या प्रॉब्लम्स है, किसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, किस तरह से पर्सनैलिटी को बदलेंगे अच्छे वे में, इसमें किस्मत साथ दे रही है आपके लिए, आपके फैसलों के ऊपर, गुड नेटवर्क, अच्छे मित्र मिलेंगे, कोई हॉबी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, स्वच्छंद हो गए ना 8th हाउस से बाहर निकल के आ गए, और मरकरी भी आ गया, कम्युनिकेट करेंगे जो चाहें जिससे कम्युनिकेट करेंगे, इसमें विदेश यात्रा हो सकती है। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में स्कॉर्पियोज वालों के लिए 8th हाउस में सारे प्लैनेट्स आके बैठने वाले हैं, ठीक है, वीनस आ जाएंगे, मरकरी आ गए, फिर उसके बाद सन 15 जून को आ जाएंगे वहाँ पर, कहीं ना कहीं इस समय पैसा कमाने के तरीके की बात कर लूँ या आपके
कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ या फिर आपके वो है ना कि एक इंटेलिजेंसी की बात कर लूँ, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम इस समय अच्छे लेवल की आ सकती है। और उसका सारा असर होगा ना, वो असर होगा आपके हेल्थ के ऊपर। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वैसे 6 हाउस में बैठा हुआ मार्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी हेल्थ में, आपके पावर में, हाउ कम्युनिकेट में, रिलेशनशिप में, उसके अलावा आपकी वाइटैलिटी में, इन सब चीज़ों में आपको सडनली कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है बड़े लेवल की। इस समय आपका बिजनेस या नेचर ऑफ बिजनेस या फिर आपका करियर भी आप चेंज करेंगे, बिकॉज यू आर वेरी फील वेरी फसी एट उस जगह पर कि जिस जगह, या फिर आप बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, आपका अर्निंग सोर्सेज भी, आप बहुत एनालिसिस करके पैसा कमाते हैं, ये आपका नेचर है स्कॉर्पियोज वालों का, ये प्रॉपर प्रोमिनेंट नेचर है आपका कि बहुत एनालिसिस करते हैं, इतना काम कर रहा हूँ इतना पैसा चाहिए, बहुत एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन स्टाइल से पैसा कमाते हैं। लेकिन इस समय यू फील वेरी फसी ऑल्सो, क्योंकि 8th हाउस में आकर के मरकरी बैठ गई, कहीं ना कहीं आपको एक और चीज़ हो सकती है, आपको सडनली कोई धन मिल जाए, सडनली कोई पैसा आपके हाथ में आ जाए, सडनली कि हाँ ये पैसा सडनली आ गया, बिल वसीयत आ गई, रुका हुआ धन भी आ सकता है, बट यू फील वेरी फसी राइट नाउ, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर द स्कॉर्पियोज। रिलेशनशिप को भी संभालना पड़ेगा, रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर ना आ जाए, बड़े लेवल को सडनली खर्चा ना आ जाए, या रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे दूर ना चला जाए, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा करियर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत इकट्ठी हो रही है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6 हाउस में बैठा है, तीनों प्लैनेट आगे 8th हाउस में बैठे हैं, और आपको स्कॉर्पियो इज द कारका ऑफ द 8th हाउस इन द कालपुरुषा कुंडली, तो कहीं ना कहीं यू फील कंफर्टेबल एट दैट, क्योंकि आइसोलेशन ही चाहिए था, सडनली होता है ना सर मोबाइल बंद करके बैठ गया, वो एक चीज़ हो सकती है आपके साथ, थोड़ा सा समझिए चलिए। डिसीजन ज़्यादा बड़े या नहीं लेने हैं किसी तरह। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 15 दिन में क्या असर होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी, वीनस इज देयर, सन इज देयर, मरकरी इज देयर नाउ, ठीक है, 15 दिन आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना वो जुपिटर 6 हाउस में बैठा हुआ, वो मरकरी का प्लेस होता है, कहीं ना कहीं इस समय आपके करियर में या आपके बिजनेस में आपको एक अच्छे लेवल का उछाल कर दूं, या मैं सडनली कोई बड़े लेवल का अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है, कोई कंपटीशन या कोई चीज़ है ना कि वो पार हो गया, कोई प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट से साइन करवाना था, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, या कोई चीज़ रुकी हुई थी, वो सडनली आपको लगा फ्लो में आ गई, वो चीज़ सामने सपोर्टर आके आपको बोल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो सॉर्ट आउट होती नजर आएगी किस्मत के से ही, सडनली आपको किस्मत चमक गई, अरे वाह ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। मैं बात कर लूँ आपके करियर की, जॉब के लिए बात कर लूँ, या बिजनेस के लिए बात कर लूँ, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बात कर लूँ, या आपके अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई की बात कर लूँ, तो भी आपको यू आर वेरी कंफर्टेबल, सब सामने से सपोर्टर्स आ रहे हैं आपके समय काम करवाने के लिए, काम करने के लिए आपको टाइम बहुत अच्छा है इस समय आपका। अगर आपके करियर की बात करते हैं, 7th हाउस में बैठे 3 बड़े बड़े प्लैनेट्स आपको एनर्जी दे रहे हैं बहुत अच्छे लोग। अब बात करते हैं दूसरी, अगर बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो इस समय आपके अच्छा नहीं, क्योंकि इस समय यू आर वेरी मच बिजी टू कम्युनिकेट विथ योर फॉर योर करियर, आपको काम से फुर्सत नहीं है, आप रिलेशनशिप कहाँ से निभाएंगे। अगर आप प्रेम भी करेंगे ना इस समय, तो करेंगे अपने काम से, मुझे काम है तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें इस समय आप हैंडल कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए समय थोड़ा अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सन वहाँ पर बैठे, सन है, वीनस एंड मरकरी है, मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल विद द सजिटेरियस, दोनों एक दूसरे की राशि में ना रिलेटेड होते हैं। हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में कोई डिबेट हो जाए, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज यू आर टू मच बिजी, तो आपको करना क्या है, एक मोटी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा अपना कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा, वर्क प्लेस में भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वहाँ भी शांति बरतना है इस समय, आपका दिमाग से पैसे कमाने में जा रहा है इस समय, रिलेशनशिप को छोड़कर, रिलेशनशिप आपने बना रखी है अपने हाउ टू अर्न द मनी, अपने नेटवर्क के साथ यू आर बिजी, नॉट बिजी विथ योर पार्टनर, एक चीज़ के लिए बहुत बेटर है तो एक चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लमेटिक आ सकता है, जस्ट रिलैक्स। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 6th हाउस में, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए तीनों प्लैनेट्स आपके 6th हाउस में बैठने वाले, इस समय कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सबसे टॉपिक चीज़ है वो है कि मैं बोल करके दुश्मन ना बना लूँ दुनिया को, स्पेशली आपके अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉसेस या अथॉरिटी लेवल या आपके फादर फिगर से,
या फिर कोई ऐसा कोई अगेंस्ट अगर आपने इनके कोई काम किया है, इनकम टैक्स से रिलेटेड बात की, या कोई गवर्नमेंट से अगेंस्ट आपको काम करते हैं, या कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आप नेग्लेक्ट करते हैं अपने बॉसेस को या उसके नॉर्म्स को, रूल्स रेगुलेशंस को, तो इस समय वो पर्चा आपके लिए फट सकता है बड़े लेवल का। या कोई लोन ले रखा था, सडनली आपको लगा कि ओ माय गॉड ये लोन चुका ना, मतलब एक सडनली कोई ऐसी चीज, क्योंकि तीन प्लैनेट आगे के सिक्स हाउस से बैठे हैं, आपको बहुत सोच समझ करके अपना काम करना पड़ेगा, अगर जॉब में है तो भी, अगर बिजनेस में है तो भी, दोनों चीज़ों की बात करें। पंगा तो बिल्कुल लेना ही नहीं, जॉब छूट सकती है आपकी, और जॉब छूटेगी तो घर वाले भी, बीवी भी डांटेगी, वीनस भी तो वहीं बैठे हो, रिलेशनशिप भी खराब हो। बीवी को, आपकी पत्नी को चाहिए कि आप काम करें, लिब्रा इन योर टेंथ हाउस, बात खत्म, काम करो तो मुझे पसंद है, अदरवाइज शी डोंट लाइक दिस। प्रोमिनेंट है ये कैप्रिकॉर्न्स वालों के, आपकी भी आप काम करते पसंद आती है आपकी, अदरवाइज आपको उनको पसंद नहीं है क्या घर बैठी है, नेवर एवर, और वो सिक्स हाउस बैठी है, काम करो तो लड़ो, लड़ेगी वो आपसे। कूल तरीके से काम करना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, कोई तरह का ऐसा कम्युनिकेट ना करें जिससे दुश्मनी बढ़े, लोन्स ना लें जो है उनको चुकाएं, उसके अलावा सडनली कोई निगेटिव आपके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जिसको आपको निभाना पड़ सकता है, और वो भी बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग कैन बी निगेटिव, बिकॉज ये जगह आपके मरकरी की। बी स्पिरिचुअल, शांति रखिए। तो अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये फिफ्थ हाउस में, तीनों प्लैनेट्स आके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं एक्वेरियस वालों। एक्वेरियस वालों के लिए जितना आप इसमें कैलकुलेशन में जाते हैं, या जितना आप अपना दिमाग इस तरीके में अपने विजन में जाते हैं, जितना आप सोचते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में 5 साल के बाद क्या करना है, किस तरह से लर्न करना है, क्या मेरी क्रिएटिविटी है, डी फेम, फेम डी फेम के बीच में जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेट करते हैं, सही गलत आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उतना बेटर इस समय आप अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। ये आपका विचार, ये एक होता है विचारक थॉट्स, जो बहुत आदमी बहुत सोचता है और फिर अपनी लाइफ को एक लाइन ऑफ एक्शन देता है, इस समय वो टाइम चल रहा है आपका फिफ्थ हाउस। तीनों बहुत अच्छे प्लैनेट्स आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय आपको अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, एक एक पल कीमती है आपको। चाहे आप जॉब में, बिजनेस में, कुछ भी आप काम करते हैं, आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी आपका विजन सेट होना चाहिए कि मेरी लाइफ किस तरह से चल रही है, मुझे किस अपनी लाइफ को किस तरह से मोल्ड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं हो अपनी चीज़ के लिए, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या अपने काम को लेकर के, या अपने ग्रुप्स को लेकर के, या बिल्कुल कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं हो आप, बिल्कुल वैसे ही वो फ्लो से चलते जा रहा है। वर्गोज आपके ऐसे 8th हाउस में, बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं, नेवर, बट यू हैव टू बी कैलकुलेटिव नाउ, क्योंकि ये विजन जो आपका सेट होगा, ये जो आइडियाज आपको आएंगे, ये यहाँ पर बैठ के जो तीनों प्लैनेट आपको दे रहे हैं, फिफ्थ हाउस है ये, आपका एंटरटेनमेंट भी है तो आपकी क्रिएटिविटी भी है, आपका विजन भी है तो आपका फेम डी फेम भी है, आपका अफेयर्स भी है तो आपकी जॉब भी है, आपके एजुकेशन भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो पावर भी है जो आपको पास्ट लाइफ से लेकर के इस लाइफ में आप लेकर के आए हैं। इस समय अपना विजन बहुत अच्छे सेट कीजिए, एंड आप, मैंने बताया कि अपना समय खराब नहीं करना है, उसके अलावा मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में, टूवर्ड्स ही देखना है। रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा, इससे बहुत अच्छे लोग लड़ाई हो सकती है अपने अफेयर्स, जैसे अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये समय आपको आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, ये समय आपको आपके एडवाइजर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो आपको लोग राह दिखाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, आपकी इमेज इन द सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, वो डेटिंग वाले के साथ अफेयर्स का तो लड़ाई होगी, लेकिन इस समय आप अपनी जो इमेज है वो सोसाइटी में दिखाएंगे कि मैं ये हूँ, इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, वेरी गुड टाइम फॉर यू, फ्यूचरिस्टिक बनना है, बस बात खत्म, टाइमर बंद कीजिए। किससे कितनी बात करनी है, कौन सा ग्रुप काम का है, कौन सा ग्रुप काम का नहीं है, किस रिलेशनशिप में मुझे डीप जाना है, किस रिलेशनशिप में मुझे डीप नहीं जाना है, दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग समय आपका। बहुत छोटा टाइम है, बट ये छोटा टाइम बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर स्टूडेंट हैं तो आप। अब फाइनली बात करती हूँ पाइसिस वालों की, आपके 4th हाउस में, पाइसिस वालों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। सन यहाँ पर आ गए हैं, वीनस भी यहाँ पर है, इस समय आपको सबसे पहले तो आपकी हेल्थ, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आपकी जो कैलकुलेशन है रिगार्डिंग वो ना रिलेशनशिप को अवॉइड करके, पाइसिस वाले हमेशा अपना
बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं अपनी रिलेशनशिप को साइड में रखकर, ये उनकी आदत है, उनको यही पसंद आता है। इस समय आप उनकी हेल्थ के साथ भी, अगर वो कहते हैं नेकलेस ही बरतेंगे या ध्यान नहीं देंगे या कहीं ना कहीं कंपटीशन में ध्यान नहीं देंगे या अपनी वो जो चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में आगे करनी है उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये समय आपके लिए एक ना कि ठीक है गुजर गया, ट्रांजिट था, चला गया, ओके, ऐसा होने वाला है। आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप जिस घर में रहते हैं, आपकी क्या फिक्स सेट्स है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी एक ना स्टेबिलिटी जहाँ पर आप रहते हैं, पीस ऑफ माइंड, उन सब चीज़ों का भी इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ना पाइसिस वालों का ना लेट गो वाली राशि होती है, 12th हाउस दिया गया है इसको, वो लेट गो इस समय आपको नहीं करना है। एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर एंजाइटी इज़ नॉट गुड फॉर यू, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना। लिक्विडिटी को लेकर के डील साइन मत कीजिएगा इस समय, फिक्स सेंस प्रॉब्लम आ सकती है, या घर बदलना नॉट गुड फॉर यू। 4th हाउस में तीनों प्लैनेट्स बैठे, पर तीनों प्लैनेट्स 6th, 7th और 8th तीनों ही को एनर्जी दे रहे हैं इस समय। 7th हाउस भी मार्क होता है सभी का होता है, माइंडेड कूल, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, स्पिरिचुअल पावर पे रखिए। उसके अलावा प्रारब्ध कर्मा को स्ट्रांग बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला। छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर मर्करी ट्रांजिटिंग इन जेमिनी, अच्छा रहेगा डील करते समय या कोई डिसीजन लेते समय थोड़ा ध्यान रखें। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स।